बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आज जनरल हॉस्पिटल लाहौर आया हुआ हूँ और जो इस्लामाबाद में जो एक 10 साल की फैमिली में एक 14 साल बच्ची रिजवाना के साथ जो उसकी फैमिली ने जुल्म और ज्यादती की है उसके हमदर्दी के लिए जो है हम उसके जनरल हॉस्पिटल आए हैं। और वफाकी हुकूमत, क्योंकि इस्लामाबाद का वाकया है तो वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को कोई नोटिस जो है वो लेना चाहिए और इसमें जो मुलव्वस हैं उनको फौरी गिरफ्तार करना चाहिए। एक तो अफसोस ये है कि जो जमानतें वगैरह हुई हैं ये भी बहुत ही जो है ना लोगों के साथ जुल्म हुआ है और अब तक हुकूमत ने इस पर कोई इकदाम नहीं किया, क्योंकि हुकूमत को चाहिए फौरी जिनके घरों में भी ये बच्चियाँ काम करती हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया जाए, क्योंकि इस किस्म के वाक़यात इससे पहले भी होते रहे हैं। ये मीडिया के मजदूर हैं जिन्होंने इस इशू को उठाया, वरना एक जज एक घर पे वाक़या होना अगर और फिर एक 10,000 रुपया ये इनकी वालदा शमीम और ये मैंने आपके उनके मियाँ हैं तो 10,000 रुपये पे उनके घर वो जज साहब के घर जो है वो बची जो थी वो सैलरी लेती थी। तो बड़ी अफसोस की बात है कि जज साहब आप तो 10,000 रुपये वैसे भी इनको दे सकते थे, फिर अफसोस तो ये है कि आपने इनके